हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार सर, मैं पेटीएम कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ, दीपक शर्मा हाँ जी दीपक जी बोलिए। हाँ जी। अभी आप जो पेटीएम वैलेट जो चला रहे हैं ना सर जी जी, आपका ये फुल केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण आज की डेट से पेटीएम वैलेट आपका बंद हो गया है। तो पेटीएम वैलेट को अभी चालू करना है कि बंद रखना है सर नहीं, क्या ना होने के कारण? जी? मैं बताना चाहूंगा सर कि आपका जो पेटीएम वैलेट है, ये आपका फुल केवाईसी अपडेट नहीं होने के कारण आज की डेट से पेटीएम वैलेट आपका बंद हो गया है। तो पेटीएम वैलेट को अभी चालू करना है कि बंद रखना है? केवाईसी करा लेंगे, उसके लिए केवाईसी हो जाएगा तो चालू हो जाएगा, क्या दिक्कत है? हाँ, तो उसी का वेरिफिकेशन के लिए अभी आपको पेटीएम सर्विस सेंटर से कॉल की गई है सर कि पेटीएम वैलेट को अभी आप चलाना चाहते हैं कि बंद रखना चाहते हैं नहीं, चलाना चाहते हैं, बंद क्यों करेंगे? जी? तो चलाने के लिए सर अभी एक एप्लीकेशन है क्विक सपोर्ट, उसे डाउनलोड करना है। मोबाइल पर अपना प्ले स्टोर को खोलिए, मैं बता रहा हूँ सर। नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं बाद में फॉलो कर लूंगा। हाँ, क्विक सपोर्ट डाउनलोड करके फिर क्या करना है? मैं आपको वही प्रोसेस बता दे रहा हूँ, अभी आपको फॉलो करना है ऑन कॉल पे, ठीक है? और जो सर भी वेरिफिकेशन करना है सर, आपको खुद अपना मोबाइल से करना है, हम आपसे कोई जानकारी नहीं पूछ रहे जो घबरा रहे हैं सर, ठीक है ना? नहीं, घबरा नहीं रहा, मैं क्यों घबराऊंगा? मैं कोई अनपढ़ गवार आदमी थोड़ी हूँ, जो आप मेरे से कुछ भी कराओगे तो मैं कर दूंगा। ओके मैं इतना तो मैं समझता हूँ ना कि पेटीएम कभी किसी को कॉल नहीं करता। और आप जो कह रहे हैं ना फुल केवाईसी, मेरी केवाईसी मैंने परसों ही कराई है, और मैंने अभी हाँ 5 मिनट पहले अपने उससे कराया। आप लोग ऐसे क्यों करते हैं सर? अब ये देखो कोरोना चल रहा है, लोग कैसे कैसे अपना गजर बसर कर रहे हैं, कैसे अपना घर चला रहे हैं, आप लोग क्यों करते हैं ऐसे चीटिंग फ्रॉड किसी के साथ? क्या करेंगे सर, हम लोग का खुद घर नहीं चल रहा है। मेरे भाई एक बात समझो, हर आदमी गरीब है, हर आदमी कैसे मेहनत से कर रहा है, कोई बेचारा कैसे गुजारा कर रहा है। आप ऐसे कॉल करते हैं, मान लिया आपका घर नहीं चल रहा, लेकिन मेरे दोस्त मेहनत करो ना, ऐसे किसी की चीटिंग फ्रॉड करने से क्या फायदा? तो ये भी तो एक मेहनत ही है सर। ये मेहनत है सर, आप ऐसे कॉल करते हो किसी को भी, कोई भी आपके कहने से कुछ करता है, उसका अकाउंट आप खाली कर देते हो, क्या उसने क्या बिगाड़ा बेचारा? किसी का मान लो कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, या कोई खुद बीमार है, या किसी की क्या मजबूरी, आपको तो उसकी मजबूरी थोड़ी ना आपको बताओगी। तो उस आप तरह उन लोग का काम नहीं ना करते हैं सर? कर तो रहे हो सर, आप बताओ कि मैं केवाईसी करवाऊंगा, मैंने कल ही केवाईसी कराई है, अभी पैसे डाले हैं, आपने मेरा पेटीएम का वैलेट भी होल्ड कर दिया, और आप मेरे से वो कह रहे हैं ये डाउनलोड करो वो डाउनलोड करो, करूंगा मेरा अकाउंट खाली कर दोगे आप? आपको पता है मैं किस दौर से, किस मुसीबत से गुजर रहा हूँ? नहीं फिर बताओ, थोड़ा सोचो, जमीर अपना, एक जमीर होता है ना इंसान का, ठीक है, उस पर हाथ रखो, फिर सोचो यार क्यों अपन किसी के साथ ऐसा करेंगे। जाने अनजाने में मान लो आपके ऐसा करने से उस बंदे का सब कुछ चला जाए, उसके घर में कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, वो मर जाए, डेथ हो जाए, भगवान काम माफ करेगा आप लोगों को यार, वो बात तो है। है ना? आप लोग, मैं देखो मेरे कहने से तो तुम मानोगे नहीं, ना ही मेरे कहने से तुम्हें चीटिंग छोड़ोगे, लेकिन प्लीज कभी सोचना मेरे छोटे भाई, प्लीज कभी सोचना। ऐसे दो चार लोग तो तुम शाम तक फंसा ही लेते होगे, अनपढ़ लोग होंगे जिनको नॉलेज नहीं नहीं है नहीं पहले ना, होता था सर, अब बंद हो गया। अब नहीं फंसते लोग? नहीं, बहुत कम। अब चलो यार, जिस दिन तरह आपको जागरूक है, उस तरह हर एक आदमी जागरूक होने लगा है। मेरे दोस्त एक दो तो फंस ही जाते होंगे, बहुत लेकिन कम, बहुत कम, महीने में कितना कमा लेते हो ऐसे करके? 2-3 लाख। 2-3 लाख रुपए कमा लेते हो और फिर कह रहे हो कि हमारी मजबूरी है? यार 2-3 लाख तो किसी आईएएस की तनख्वाह होती है, तुम तो उससे भी ज्यादा कमा रहे हो। हाँ, तो 2-3 लाख आपको नॉर्मल बोले, और कभी मोटा अगर 10-20-50 अगर हैंग कर दिए तो 40-50 लाख 1 महीने में। तो मेरे भाई तुमसे अमीर आदमी कौन है यार दोस्त, और फिर तुम ये काम कर रहे हो, बताओ? ठीक है, अगर मान लो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे को एक खूबी है, तुम कर सकते हो, तो यार कम से कम चलो किस आदमी समझ जाता कि यार तुम किसी बहुत अच्छे काम के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, 40-50 लाख तक भी उड़ा देते हो किसी का। एक बार में अगर आपका अगर 1 करोड़ रहेगा ना, तो 1 करोड़ आपका खाली कर देंगे एक बार में, एक बार में एक बार में। ही? ओ माय गॉड, उसके बाद वो बंदा तो मर ही जाएगा, हार्ट अटैक से मर जाएगा फिर हाँ, तो वो तो होगा। तो। यार उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, इसको तुम मार रहे हो, तुम एक तरीके से तो एक हत्या ही कर रहे हो ना किसी की। सर किसी का हत्या करना तो पैसा ही है ना सर, पैसा ही तो हत्या करवा रहा है ना। हाँ तो पैसे किसे ही होते हैं, लड़ाई यहाँ झगड़े से पैसा ही है जड़। तो यार अच्छा, चलो, कहाँ कहाँ से करते हो तुम ये, झारखंड? हाँ वहीं से। ये सारा रांची में यही काम हो रहा है यार टोटल, हमेशा जितने भी कॉलेज। अच्छा, पुलिस भी परेशान है तुमसे, तुम्हारा पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। पुलिस तो बहुत परेशान है सर। हाँ यार, कुछ भी नहीं कर पा रही पुलिस तुम्हारा, पता नहीं क्या तुम्हारा सिस्टम है, कहाँ से तुम लोग इतने सिम लाते हो, कहाँ से इतने आइडिया लाते हो लोगों की, कैसे तुम लोग कर देते हो यार तुम्हारे मतलब पे? आप
तुम्हारा भी आर्ट है, तुम्हारी भी कला है यार, ये बड़ी तगड़ी ना, बता रहे जॉब का हम करोड़। लोग का अच्छा तुम लोग सैलरी पे करते हो काम? नहीं, खुद। अच्छा खुद के लिए करते हो ना। अच्छा तो तुम तो बोल रहे हो महीने में करोड़ रुपए भी किसी का उड़ा देते हो, तो फिर तो तुम्हारे तो कोई लिमिट ही नहीं है कमाई की। हाँ, कमाई की तो कोई लिमिट नहीं है आपको। पर डे जैसे कि 10, 20, 50, 1,000, 1,00,000 एक दिन में भी कमा सकते हैं, किसी दिन नहीं भी हुआ। अच्छा तो उसको एक एक बंदे के साथ फ्रॉड करते ही कॉल को तोड़ देते हो, सिम को तोड़ के फेंक देते हो ना। हाँ, वो सिम तो तोड़ के फेंक देते होंगे, या तो नहीं भी फेंकते हैं। आप इतना पूछ रहे हैं, आप इतना बोल रहे हैं, तो ये सिम अब हमको फेंकना ही पड़ेगा। नहीं यार मैं तो खैर तुम्हारा क्या बुरा करूंगा भाई, देखो मैं तो एक बात पे विश्वास रखता हूँ, तुम किसी का बुरा कर रहे हो भगवान तुम्हारा बुरा करेगा, बस मैं तो सीधा जानता हूँ। चोरी ये का बात माल आप बहुत सही बोले। चोर, देखो तुम्हारे को पुलिस में कोई पकड़वा भी देगा क्या, 2-4 साल जेल काट के आ जाओगे, बाहर आ जाओगे, ठीक पुलिस है भी सेट रहता है सर, पुलिस भी पैसे खाते हैं। ओके। हाँ ये तो है यार, बिना बिना शासन प्रशासन के मिले हुए कोई गलत काम नहीं हो सकता, मैं तो इतना जानता हूँ। जब ऊपर वाला हिसाब लेगा ना तुमसे, वो तुमको फिट करेगा रखेगा, उसके हिसाब में कोई अप्रोच नहीं, कोई रिश्वत नहीं, वो नहीं। मुंह से आदमी बोलने से क्या है, मैं कुछ भी बोल दो तुम्हारे को बदवा दे दो, गाली दे दो, तुम उधर से मुझे गालियां दोगे बदवा दोगे, वो नहीं क्या लगेगी। फायदा? हाँ अब आप बता रहे हो क्या पुलिस वाला महीना का 3.5 लाख रुपया लेके जाता है। बात कर रहे हो यार। अच्छा जी हाँ, तो ये तो फिर तो चोरी कौन करवा रहा है, पुलिस ही करवा रही है फिर तो। मैं दोस्त आज प्लीज मत करा करो यार किसी के साथ ऐसा प्लीज। और 10 करोड़ कमा लेंगे और छोड़ देंगे सर, 10 करोड़। अच्छा 10 करोड़ कमा के छोड़ दोगे? और 10 करोड़ अच्छा और 10 करोड़ अभी कितना कमा लिया, कितने करोड़ कमा लिया? अभी कमाया होगा, 70-75 करोड़। 70-75 कमा लिया, क्या बात कर रहे हो यार। और मेरा एज जानते हैं अभी कितना हो रहा है? हाँ बताइए ना। 17। अच्छा 17 साल में 70 करोड़ कमा लिया। अच्छा आवाज से आपको पता नहीं चल रहा है। नहीं आवाज से तो लग रहा है तुम बहुत छोटे हो, लेकिन चलो भाई तुम्हारी भी कला है। कैसे करते हो यार ये, कैसे करते हो सारा सिस्टम? आपको पता है, आपका मोबाइल आपको नहीं भी डाउनलोड किया फिर भी आपका मोबाइल हम हैंग कर सकते हैं वहीं से। आप इतना देर से जो बात किए ना, हाँ उतना में मैं अभी आपका अकाउंट हैंग कर सकता हूँ। हाँ अच्छा भाई मेरे साथ मत करना, मैं बहुत परेशान हूँ कोरोना के टाइम, मेरा काम धंधा कुछ नहीं चल रहा मेरे दोस्त, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ तो कम से कम मत करना ऐसा। चलो ठीक है भाई, क्या सर? मैं कह रहा हूँ मैं तो भाई कोरोना में चलते वैसे बहुत परेशान हूँ, एक एक रुपए के लिए बहुत बुरे हाल से गुजर रहा हूँ। सर आपका आपका नहीं करूंगा सर, आप क्या मजाक कर रहे हैं। हाँ मेरा तो मत करना यार। चलो भाई भगवान तुम्हें खुश रखे, तुम्हारा जॉब मुबारक हो।